नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 111 और मैं हूं आपके साथ पंडित प्रेम सागर पांडे। हम बात करेंगे आजाब के राशिफल के बारे में, यानी कि 10 सितंबर 2019 के राशिफल के बारे में। मैं आज आपको बताऊंगा कि आपका दिन कैसा चलेगा, आज आपके सितारे क्या कहते हैं, कैसा चलेगा आपका व्यापार, कैसे मिलेगी कैरियर में उड़ान और किसे मिलने वाली है धन की अपार। तो चलिए आज बात करते हैं आज के राशिफल के बारे में और सबसे पहले प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले जो है व्यक्ति, सेहत के पर गौर करने की जरूरत है। आज खुद को नए रोमांचक हालात में आप पाएंगे जो आपको आर्थिक फायदा भी देगा। बढ़िया दिन है जब आपके ध्यान को अपनी तरफ खींचेंगे। आपके सामने चुनने के लिए कई चीज़ें हैं, बहुत से अवसर हैं जो आपके सामने। आप की समस्या यह होगी कि पहले किसे चुना जाए। हाँ, अटके हुए कामों के बावजूद रोमांस और बाहर घूमना फिरना और आपके दिलो दिमाग पर यह तो छाया तो रहेगा। सेमिनार और गोष्ठी में हिस्सा लेकर आप जो है नए विचार आप पा सकते हैं, नए जानकारी आप तथ्य मुहैया आपकी हो सकती है, कराया जा सकता है। दीर्घावधि में कामकाज के सिलसिले में की गई यात्रा फायदेमंद साबित होगी। हाँ, मुमकिन है कि आपके माता पिता आपके जीवन साथी को कुछ शानदार आशीर्वाद उपहार आदि दे सकते हैं, जिसके चलते आपका वैवाहिक जीवन और भी निखार आ सकता है। आपका शुभ रंग गुलाबी है और भाग्यांश 4 है। चले चलते हैं वृक्ष राशि की तरफ भी। वृक्ष राशि वाले जो है थोड़ा तनाव को नज़रअंदाज न करें। यह तंबाकू और शराब आदि की जो नशे की जो है ना की तरह से खतरनाक महामारी है, जो जैसी जो तेजी से जो है ना पांव पसार रही है। आर्थिक तंगी से बचने के लिए आपने तय शुदा बजट से दूर न जाएं। दोस्त आपके किसी निजी जीवन में जरूर से ज़्यादा दखलंदाजी करेंगे। शाम को प्रिय के साथ रोमांटिक मुलाकात और साथ में कई ललीज खाना जो है खाने के लिहाज से यह बढ़िया दिन हो सकता है। अपनी पेशेवर क्षमताओं को बढ़ाकर आप कैरियर में नए दरवाजे खोल सकते हैं। अपने क्षेत्र में अगर आपको अपार सफलता मिलने की संभावना तो दिख रही है। अपने सभी क्षमताओं को निखार कर और रो से बेहतर बनाने की कोशिश थोड़ा सा करें। आपको याद रखने की ज़रूरत है कि भगवान उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। आपको खुश करने के लिए आपका जीवन साथी भी काफ़ी कोशिश कर सकता है। आपका जो है शुभ रंग आज का है वो हरा है और भाग्यांश 3 है। आते हैं मिथुन राशि की तरफ भी। मिथुन राशि वाले आपकी दानशीलता और व्यवहार जो है ना आपको छिपे हुए आशीर्वाद की तरह सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यह आपको शक, अनास्था, लालच और आशक्ति जैसी खराबियों से बचा सकता है। दीर्घावधि मुनाफे के नज़रिए से स्टॉक और म्यूचुअल फंड में निवेश करना आपके लिए फायदेमंद दिख रहा है। वैवाहिक बंधन में बंधने के लिए भी एक अच्छा शुरुआत हो सकती है। रोमांटिक मुलाकात आपकी खुशी में तरके का काम भी कर सकता है। साझेदारी संवाद कायम करने में बहुत कठिन सिद्ध होगा। यात्रा की शिक्षा से जुड़े काम को अपनी जागरूकता में वृद्धि आपका तो करता दिख रहा है। यह जो है ना दिन शादीशुदा जिंदगी के लिए भी सबसे खास दिनों में से एक हो सकता है। आपका शुभ रंग लाल है और भाग्यांश 1 है। आइए चलते हैं अपने, है ना, तो कर्क राशि की तरफ। कर्क राशि वाले खुश हो जाएं, क्योंकि आज आपका समय अच्छा आने वाला है और आप स्वयं में अतिरिक्त ऊर्जा का अनुभव भी करेंगे। जिन लोगों को आप जानते हैं उनके जरिए आपको आमदनी के नए स्रोत मिल सकते हैं। एक खुशनुमा और बढ़िया शाम के लिए आपको घर पर मेहमानों से भरा हो सकता है। आपको अपनी रसिक कल्पनाओं पर थोड़ा अधिक गौर करने की जरूरत हो सकती है, अर्थात जो है ना अपने जो स्वभाव को जो है ना रसिक स्वभाव को है उसे थोड़ा सा आप नियंत्रण बनाएं, क्योंकि संभव है कि वे आज थोड़ा सा सच भी हो सकते हैं और थोड़ा सा समस्या भी उत्पन्न कर सकते हैं। हाँ, भागीदारी आपकी योजनाओं, जो भागीदार वाले जो पार्टनर योजनाएं हैं और उसे व्यवसायिक ख्यालों के प्रति उत्साही हो सकते हैं। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो सभी जरूरती दस्तावेज जो है अपने साथ रखना न भूलें। जीवन साथी की मासूमियत आपके दिल
को है ना आज खास बना सकता है। आपका शुभ रंग गुलाबी है और भाग्यांश 5 है। आते हैं सिंह राशि की तरफ भी। सिंह राशि वाले मजबूत और निडरता की गुण आपको जो है ना मानसिक क्षमताओं में इजाफा कर सकता है। किसी तरह के हालात को काबू में रखने के लिए इस रफ्तार को बरकरार रखिए। तंग आर्थिक हालात के चलते कोई काम बीच में जो है ना अटक सकता है। अगर आपके मन में तनाव हो तो किसी नजदीकी रिश्तेदार या दोस्त से बात कर सकते हैं। इसके लिए अपने दिल पर बोझ है थोड़ा सा आपका हल्का हो सकता है। अपने रोमांटिक ख्यालों को हर किसी से बताने से भी थोड़ा सा आज बचे। व्यवसायियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा दिख रहा है क्योंकि उन्हें अचानक भरा फायदा हो सकता है। सेमिनार और प्रदर्शनी आदि आपको नई जानकारियां तथा तथ्य भी मुहैया कराएंगे। अगर आप जीवन साथी के अलावा किसी और को भी अपने ऊपर है ना अवसर डालने का मौका जो अगर देते हैं तो जीवन साथी की ओर से आपको नकारात्मक प्रतिक्रिया भी मिलना संभव है ना। आपका शुभ रंग लाल है और भाग्यांश 3 है। आते हैं कन्या राशि की तरफ। कन्या राशि वाले आज का दिन मौज मस्ती और आनंद से भरा रहेगा क्योंकि आप जिंदगी को पूरी तरह से जी पाएंगे। वे निवेश योजनाएं जो हैं जो आपको आकर्षित कर रही है उसके बारे में भी गहराई से जानने की थोड़ी कोशिश करें आप। आज जो है ना कि आपका जो समय जो है वो गहन विचार और समझने की चीज है। कोई भी कदम उठाने से पहले जो है ना पहले विशेषज्ञ उसके जो हैं या है ना जो उससे सलाह लेने की जरूरत है। घर पर आपके जो है ना बच्चे आपके सामने किसी समस्या को तिल की तार भी बनाकर पेश कर सकते हैं। कोई कदम उठाने से पहले तत्वों की भी भली भांति आप पड़ताल कर लें। प्यार का बुखार आपके सर पर चढ़ने के लिए जो है ना तैयार है, इसका अनुभव भी आप कीजिए। आप जी तोड़ मेहनत करके धीरज के बल पर अपने उद्देश्य हाशिल कर सकते हैं। हाँ, कर्मकांड आदि जो है ना घर में पूजा पाठ अनुष्ठान आदि का जो है ना धार्मिक आयोजन जो है वो घर में आज हो सकता है। जीवन साथियों से निकटता आज आपको खुशी भी दे सकती है। आपका शुभ रंग क्रीम है और भाग्यांश 2 है। आइए तुला राशि की तरफ भी। तुला राशि जो है ना घरेलू परेशानियों को आपको तनाव दे सकता है ना। अपने जीवन साथी के साथ अपनी गोपनीयता जानकारी थोड़ा सा बांटने से थोड़ा सा है ना बचे और इसके विषय में बिल्कुल तरह से सोच ले। अगर मुमकिन हो तो इससे बचने का ही प्रयास करें क्योंकि इससे इन बातों से बाहर फैलने का भी खतरा है। आपके प्रिय जीवन साथी का फोन आपका दिन जो है ना थोड़ा सा बनाता हुआ भी दिख सकता है। अपनी नौकरी से चिपके रहिए और दूसरे से उम्मीद मत कीजिए। वे आकर आपकी मदद करेंगे, ऐसा जो है ना सोच मत बनाएं ना बनाए। गप्पेबाजी और अफवाहों से थोड़ा सा दूर रहने की आवश्यकता है। थोड़ी सी कोशिश करें तो यह दिन आपके वैवाहिक जीवन का सबसे विशेष दिनों में भी से एक हो सकता है। आपका शुभ रंग उजला है और भाग्यांश 4 है। आइए वृश्चिक राशि की तरफ। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति जो है आज का दिन ऐसे काम करने से बेहतर माने करने के लिए बेहतरीन है जो जिसे आप खुद जो है ना उसके बारे में अच्छा जो है ना जानते हो जानकारी हो उसे आप अच्छा महसूस कर सकते हैं। खर्चों पर थोड़ा सा काबू रखने की आवश्यकता है और जरूरी चीजें ही खरीदें। दूसरे को प्रभावित करने की आपकी जो क्षमता जो है आपको कई सकारात्मक चीजें दिला सकती है। प्रेम का आवाज जो है महसूस करने के लिए आप किसी नए व्यक्ति से मिल सकते हैं। आप दफ्तर के माहौल में बेहतरी और कामकाज के स्तर में सुधार की भी महसूस भी करते हुए आज दिखेंगे। दीर्घावधि में कामकाज के सिलसिले में की गई जो है यात्रा वो फायदेमंद साबित होगी। आज आपके और आपके जीवन साथी का प्यार मोहब्बत के लिए पर्याप्त समय भी थोड़ा सा मिलेगा। आपका शुभ रंग लाल है और भाग्यांश 6 है। चलो चलते हैं धनुराशि की तरफ। धनुराशि वाले दिन को फायदेमंद साबित आज आप होता दिख रहा है। आप किसी पुरानी बीमारी में काफी आराम भी महसूस करेंगे। आपके मन में जो जल्दी पैसा जो कमाने की तीव्र इच्छा है एक है ना है वो थोड़ा सा पूर्ण होगी। एक पारिवारिक आयोजन में भी आप सभी का ध्यान केंद्रित होंगे। आज के दिन किसी से छेड़खानी करने से थोड़ा सा बचे हैं। आज अनुभवी लोगों से जुड़कर जानने की कोशिश करें कि उनका क्या हाल है। अगर आप किसी परिस्थिति से घबराकर भागेंगे तो आपका पीछा हर निकृष्ट जो है ना तरीके से करेगा। जीवन साथी के खराब व्यवहार
का नकारात्मक असर आपके ऊपर थोड़ा सा आपके दिलो दिमाग पर भी पड़ सकता है ना, इसलिए थोड़ा सा सावधानी बनाकर रख के आपका शुभ रंग जो है केसरी है और भाग्यांश 3 है। आइए चलते हैं मकर राशि की तरफ। मकर राशि वाले जो है ना, इच्छा शक्ति की जो कमी है आपके भावनात्मक और मानसिक परेशानियों में फंसा सकती है। दोस्तों की मदद से वित्तीय कठिनाइयां भी हल होती दिख रही है। जिसके साथ आप रहते हैं उससे वाद विवाद करने से थोड़ा बचे। यदि कोई है ना, यदि कोई जो समस्या है तो उसे शांति से बातचीत करके सुलझाएं। मोहब्बत की टीस आज रात आपको सोने तो नहीं देगी। सहकर्मियों और वरिष्ठों से मिला हुआ सहयोग आपके उत्साह को में इजाफा करेगा। सेमिनार और प्रदर्शनी आदि में नई जानकारी तथा तत्व भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। आपका वैवाहिक जीवन आपके परिवार के चलते नकारात्मक रूप से प्रभावित भी हो सकता है, लेकिन आप दोनों की होशियारी हर चीजों को संभाल सकती है। आपका शुभ रंग हरा है और भाग्यांश 3 है। आइए चलते हैं कुंभ राशि की तरफ। कुंभ राशि वाले अपने बच्चों, आपका जो है ना बच्चों जैसा भोला स्वभाव फिर सत्ता पर आ सकता है और आपकी शरारती मनोदशा में भी आप होंगे। अचानक आए खर्चे जो है ना आर्थिक आपको बोझ भी दे सकता है। अगर आपके नजदीकी लोग निजी जीवन में परेशानियां खड़ी कर सकते हैं, जो कि जो लोग प्रेम संगीत आदि में डूबे हुए हैं वही इसकी स्वर लहरियों का भी आनंद ले सकते हैं। आज के दिन आप उस संगीत को सुन सकते हैं जो दुनिया के बाकी सभी गीतों को भुला देगा। सेमिनार और संगोष्ठी में हिस्सा लेकर आप आज कई प्रकार के विचार पा सकते हैं। ऐसे लोगों से जुड़ने से बचे जो आपकी प्रतिष्ठा आदि को भी घात पहुंचा सकता है। संभव है कि आपके और आपके जीवन साथी के बीच थोड़ा सा तनाव भी बढ़ सकता है। इससे बचाव करने के लिए जो है ना स्थिति में इसके दुर्गणा न बचाव करते तो उसके दुर्गामी परिणाम भी आपके अच्छे नहीं दिख रहे हैं। आपका शुभ रंग पीला होगा और भाग्यांश 9 होगा। आइए चलते हैं अब अंत में मीन राशि की तरफ भी। आज आप मीन राशि वाले, आपको आज कई दिक्कतों और मतभेदों का भी सामना करना पड़ सकता है, जिस वजह से आप झुंझलाहट और बेचैनी भी महसूस कर सकते हैं। दीर्घावधि मुनाफे के नजरिए से स्टॉक और म्यूचुअल जो फंड है उसमें आप निवेश करें, है ना, तो ये आपका जो निवेश जो है ना वो सकारात्मक एक रूप ले सकता है। घरेलू मामले और जो है ना मामले काफी समय से जो लंबित आपकी जो चल रही है उसके हिसाब से उसको सुलटाने के लिए एक अच्छा दिन है। एक प्यारी सी मुस्कुराहट से अपने प्रेमी का भी आप दिल को रोशन कर सकते हैं। नौकरी पेशा के लिहाज से की गई यात्रा जो है ना वह सकारात्मक फल भी देगा। आपको इंटरव्यू के दौरान दिमाग ठंडा रखने और खुद को अभिव्यक्त करने की जरूरत आज है। महत्वपूर्ण लोगों से बातचीत करते वक्त जो है ना अपने शब्दों को थोड़ा सा गौर से सुने, उस पर नियंत्रण बनाकर रखें। आप अपने जीवन साथी के कुछ यादगार शामों में से एक आज अपने जीवन साथी के साथ बिताएं। आपका जो है ना कि शुभ रंग जो है आज केसरी होगा और भाग्यांश जो है 7 है। तो ये रही आज का 12 राशियों का राशिफल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां विंध्यवासिनी।